ये हावड़ा पुल है, हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं इसे देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पहले रहती थी तो मैं और मेरी बहन हमेशा आते थे घूमने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए, तो हम लोग काफ़ी इंजॉय भी करते थे। आज मैं, मुझे लग रहा है कि मैं 17-18 साल बाद यहाँ पे आई हूँ। विक्टोरिया हम लोग आए हैं, यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी धूप है। मेरी बेटी, हम लोग, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ का ये जो तालाब जैसे ही पॉन्ड बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ये देखिए, इतना सुंदर धूप है, लेकिन हम लोग छाया में खड़े हैं, बाहर से ही देख सकते हैं। विजयादशमी के वजह से ये बंद है, अंदर हम नहीं जा पाए, और ये सब लोग बाहर बाहर ही घूम रहे हैं। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुमू पलक, ये मैं हूँ। जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करूँगी। जो आए हैं उन्हें तो अच्छे से पता है, जो नहीं देखे वो ज़रूर आए, एक बार ज़रूर देखें कलकत्ता में कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ पे फाउंटेन है, देखिए, मैं फाउंटेन के पास आपको ले चलती हूँ। सौम्या मेरी आगे आगे जा रही है। देखिए ये फाउंटेन का नज़ारा जो है, इतना खूबसूरत है, इतना कि कैमरे में मैं उतना कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि देखिए सामने से मैं जूम करके दिखा रही हूँ। बहुत कोशिश किया है मैंने कि मैं आप लोग को इसकी खूबसूरती को दिखा सकूँ, सामने से जो देखेंगे फील कर पाए हैं आँखों ने, वही समझ पाएंगे। यहाँ पे एक पिक मैंने लिया है मेरे फैमिली के साथ। यहाँ मैं तारा मंडल के लिए मुझे लाइन लगाना पड़ा, बच्चे बोले तारा मंडल में मम्मा देखना है, तो काफ़ी लंबी लाइन थी, हमें लगाना पड़ा। टिकट ही लेने के लिए भी लाइन लगानी पड़ी, और फिर से ये विक्टोरिया वाला ये पॉन्ड। मैंने कुछ लाइन्स इधर उधर हुए हैं वीडियो के, ये देखिए, ये मेरी बेटी है जो शूट कर रही है, चलते हुए इतनी चिलचिलाती हुई, धूप है, फिर भी हम लोगों ने शूट किया ताकि हम दिखा सकें। मैं तो इसे बहुत बार देख चुकी हूँ, जब भी हमारे घर कोई आते थे तो हम लोग यहाँ पे, मैं रिश्ता में रहती थी इसलिए यहाँ पे आती थी। मेरे हस्बैंड जी, ये वही पॉन्ड जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। फिर ये हम लोग फिर वहाँ से टैक्सी पकड़े तो फिर बेलूर मठ आए हैं। बेलूर मठ में भी काफ़ी लाइन लगा हुआ था, तो हम लोगों ने बाहर से ही देखा, अंदर नहीं जा पाए क्योंकि मुझे लौटना भी था बर्दवान के लिए। तो जितना हो सके मैं घूमी, और ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पे। ये गंगा घाट है, और शादी होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम हमेशा आते थे। ये बहुत चौड़ा है, अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से पूरी पानी जो है भरी हुई है, डर भी लग रहा था। मेरी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरी घाट की, पलक और सौम्या एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, पर मैं मना कर रही हूँ कि वहाँ ना जाए। पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, बार बार पानी सीढ़ी पे आ जा रहा है, और मेरी मम्मू जो है वो सोच रही है कि मैं इसमें छप्पा छिया करूं, उसे तो लगता है कि एंजॉय करने आए हैं, पर डर भी लगता है क्योंकि बहुत ही तेज़ बहाव था।
ये हम लोग ट्रेन में बैठे हैं जाने के लिए, पूरी ट्रेन खाली है। मैं लोकल ट्रेन में भी काफ़ी दिनों के बाद ही सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ ऑटो से ही हमारा काम चल जाता है, या गाड़ी रिजर्व करके कहीं जाना होता है तो ये बस में बैठे हैं। वही कलकत्ता में जाने के लिए, धूप थी तो ये एसी बस है इसलिए पता नहीं चला हमें। अच्छा लगा, कुछ पल तो राहत मिलेगा, फिर तो धूप में निकल के घूमना ही है। तो मैं वही आप लोगों से बता रही थी ये सारी चीज़ें। सोमू पलाक ढे, मेरे हस्बैंड बेटू, ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जिस ट्रेन में मैं बैठी थी वहाँ पे अनाउंसमेंट बार बार होता रहता है, ताकि लोग कहाँ जाना है, कहाँ ना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद कौन सी ट्रेन आएगी, किस स्टेशन पे रुकेगी। सारे बंगाल में यही मुझे अच्छा लगा कि हर चीज़ डिटेल में आपको पता चल जाएगा। आप सब चीज़ ट्रेन में बताते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्लैक वाला चॉकलेट है जो ट्रेन में बेचते हैं ना, खट्टा मीठा वाला और एक ही ऑरेंज वाला, ये दो ठो मैंने लिया है, ऐसे ही मुंह में डाल लूँगी। ऑरेंज मेरे बच्चे खाएंगे, ब्लैक मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। इसको फाड़ते समय पैकेज जब फाड़ रहे थे ना तो कुछ नीचे गिर गया, मैंने इनसे बोला भी कि गिर गया नीचे। यहाँ पे बर्दवान में मैं आ चुकी हूँ शायद, हाँ, जाने के लिए अपने घर आसनसोल, ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ टिकट के लिए बाहर की बारिश भी हो रही थी। मैं मोमोगोद में है, यहाँ पे देखिए बंगाली में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो बंगाली है वो समझ पाएंगे। और ये हम लोग आ चुके हैं आसनसोल, ये वहाँ का कुछ है, कुछ नज़ारा बहुत सुंदर लगा तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन से। ये हस्बैंड जी यहाँ पे ट्रेन का और ये तोप टाइप का कुछ बना हुआ है, अच्छा लग रहा है सब दिखा, मतलब देखने के लिए ही रखा हुआ है। ये देखिए ट्रेन जैसा, ये ट्रेन का इंजन है।